हे एवरीवन, दिस सेट क्रिस। तो फाइनली एक और वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो में इंस्टॉल करने जा रहे हैं TWR फिर रिकवरी। ओके, तो ये मेथड सब सारे स्वयं के डिवाइस में वर्किंग है, तो आप किसी में भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी मेरे फ़ोन में कोई से भी रिकवरी इंस्टॉल नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट वाला आता है वो है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ करते हैं इस फ़ोन की। ओके, वेट करते हैं यहाँ पे। और रिकवरी में बूट करने के लिए वॉल्यूम अप और पावर प्लस और बटन एक साथ प्रेस करके रखना होता है। ओके, तो होल्ड करते हैं। ओके, चार्जिंग वाला आ गया। ओके, वेट करते हैं पहले। ओके, ओके, तो हम अभी बूट कर रहे हैं डिफॉल्ट रिकवरी में। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट रिकवरी बूट हो चुका है। ओके, यू है चाइना वाला है, बट आपका केस में भी वो हो सकता है, इंग्लिश में आ सकता है, जो भी है। ओके, तो PC स्क्रीन पे आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 8 GB टूल को डाउनलोड करना होगा। ओके, जितना भी डाउनलोड लिंक होगा, मतलब मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ़ोन के अनुसार से आपको TWRP रिकवरी या फिर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी डाउनलोड कर लेना। ओके, तो मैं TWRP रिकवरी डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो सर्च करते हैं TWRP रिकवरी 4, मतलब जो सा भी आपका डिवाइस है। मान लो मेरा रेडमी 90 है, तो ओके मैं सर्च कर लेता हूँ और डाउनलोड भी कर लेता हूँ। ओके, तो आप डाउनलोड कर सकते हो खोज के। ओके, जहाँ से मिल जाए आपको। तो डाउनलोड हो चुका है, वेट करते हैं। आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, वेट करते हैं। तो ये TWRP रिकवरी डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो इसके बाद आपको एक मैजिक्स डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड में सेव करके रख सकते हो। ओके, क्योंकि ये इंस्टॉल होने के बाद आपको फ्लैश करना होगा। ओके, तो आप इंस्टॉल कर लेना वहाँ से। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसमें प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, और ये सब लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए फ़ोन का। ओके, तो बूट लोडर अनलॉक नहीं है, तो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, तो वहाँ से देख के आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, उसके बाद ये प्रोसेस कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा TWRP इंस्टॉल हो चुका है, तो फाइल में चलते हैं। ओके, तो और ये वाला इंस्टॉल कर लेना ATP। ओके, तो इसका मैं जो भी है लिंक दे दूंगा, और वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, डाउनलोड्स में चलते पहले। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे TWRP वाला इमेज फाइल डाउनलोड हो चुका है। ओके, तो जिस PC में जाना और सी ड्राइव में जाना आपको, यहाँ पे देख सकते हो टूल इंस्टॉल करने के बाद, ATP टूल इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये TWRP इमेज वाले को पेस्ट करना है। ओके, तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से बेसिकली मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे चल के सी ड्राइव में ATP के अंदर जाके, ओके, तो इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके, तो ये पेस्ट होने के बाद आपको ऊपर टॉप में देख सकते हैं दिस PC, और या फिर देख सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ओके, तो इसे कट कर देना है यहाँ से, और यहाँ पे टाइप करना है CMD। ओके, CMD और एंटर कर देना है। ओके, तो कुछ इस तरह का ये ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो अपने फ़ोन को यहाँ पे जैसे फास्ट बूट में वो कर लेना है, तो मैं कर लेता हूँ। फर्स्ट पर पावर ऑन कर ऑफ कर देना है, और उसके बाद वॉल्यूम डाउन और पावर प्लस दोनों को प्रेस करना है। एक बार वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ प्रेस होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए। ओके, तो आपका फ़ोन रिकवरी में फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। ओके, फास्ट बूट में बूट हो चुका है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, CMD फिर से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फास्ट बूट डिवाइसेस। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ पहले फास्ट बूट डिवाइसेस। ओके, इसके बाद एंटर करोगे, जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर करके आएगा। ओके, तो डिवाइस यानी सक्सेसफुल कनेक्ट है। ओके, ये ध्यान दे देना। ओके, अगर नहीं आया तो फिर से कनेक्ट कर लेने पर फ़ोन को PC से। ओके, तो हमारे कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं फास्ट बूट फ्लैश। ओके, फ्लैश लिख देते पहले। ओके, अब रिकवरी लिखना है यहाँ पे, स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो, या फिर देख के आप कर सकते हो जो भी है, तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, और यहाँ पे स्पेस देने के बाद आपको यहाँ से ड्रैगन ड्रॉप कर देना है वाले फाइल को। ओके, ड्रैगन ड्रॉप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सेंडिंग रिकवरी आ रहा है, कुछ टाइम लेगा। ओके, तो जस्ट हो ही गया, बस 3 सेकंड लिए।
और यहाँ पे हो चुका है कंप्यूटर का काम, फोन स्क्रीन पे आ चुका है। फोन स्क्रीन पे आने के बाद आपको वॉल्यूम वॉल्यूम अप प्लस में पावर बटन को प्रेस करके रखना है। ओके, वॉल्यूम अप प्लस में पावर, ओके, ध्यान से सुन लो। ओके, तो कर रखे हैं। ओके, तो वेट करते हैं। आ चुका है हमारे रेडमी का बूट लोगो, यहाँ पे वेट करते हैं। ओके, और वॉल्यूम अप प्रेस करके रखना जब तक कि WRP में बिन वो ना हो जाए, मतलब बूट ना हो जाए। और पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेना यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे वो इंस्टॉल करना है, मैजिक्स इंस्टॉल करना है। ओके, तो मैजिक्स हमने ऑलरेडी इसमें रख रखा है, तो यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो इंस्टॉल में चलते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ओके, पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड, इंटरनल तो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फ्लैश कर देते हैं इसे। ओके, जिससे ये मतलब TWRP रिकवरी है जो परमानेंट हो जाए। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करोगे मैजिक्स, तो अगले बूट में ही आपका नॉर्मल जो रिकवरी था पुराना वाला वो आ जाएगा, फिर ये फिर से आपको इंस्टॉल करना होगा, फिर जो भी हो। इसलिए ये प्रिवेंट करने के लिए मैजिक्स इंस्टॉल कर लेना, ये मतलब लॉक हो जाएगा फिर जो भी, मानो यार ये वाला हो जाएगा इंस्टॉल। ओके, तो कर लेते हैं। ओके, तो वाइप कैचिक और डाल भी करते हैं, यहाँ पे स्वाइप कर देते हैं। ओके, और किसी भी केस में फ़ोन का डेटा इरेज भी हो सकते हैं, तो पहले बैकअप ले लेना। ओके, तो पहले बताना चाहिए था, पर कोई नहीं, आप वीडियो देखने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो पता ही है। ओके, तो यहाँ पे बूट हो रहा है, वेट कर लेते हैं। किसी फोन में मतलब फर्स्ट टाइम बूट का थोड़ा टाइम ले सकता है, तो वेट कर लेना। ओके, फर्स्ट बूट करोगे जब TWRP के बाद, तो टाइम ले सकता है, तो वेट कर लेना वहाँ पे। ओके, तो मेरे फोन में कुछ ऐसा केस आया नहीं। ओके, तो सक्सेसफुली बूट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलता है किसी और न्यू वीडियो में।